जा रहे हैं अब ताजमहल का दीदार करने। तो ये देखिए ताज, इसकी नींव जो है लकड़ियों से बनी हुई है। गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और हम लोग जा रहे हैं अब आगरा की जो जान है मतलब ताजमहल का दीदार करने। खुली नहीं है सुबह सुबह, तैयार हो जा रहे हैं। यार कितनी दूर है इमरान। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल यहाँ से दिख नहीं रहा है और पूरा हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं। चलिए फिर अब वहीं पहुंच के ही मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको बताऊं, जब मैं एकदम से गई ना टिकट लेने, काउंटर बिल्कुल खाली था, फिर एकदम से भीड़ आ गई। एंड जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने बताया कि हम जिधर से लाइन में लगे थे वो लाइन ही नहीं थी, पूरा घूम के आना था। तो ये भैया हेल्प की, तो थैंक यू भैया इतनी भीड़ में। तो अब जल्दी से अंदर चलते हैं और फिर आपसे वहाँ मिलते हैं। फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं। आई थिंक ये एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अंदर जाके ताजमहल देखेंगे। और मैंने एक गाइड को कर लिया है जो मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। MP जी हैं हमारे साथ, तो ये अब हमको इसके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे। तो यहाँ पे एंट्री के ना आई थिंक 2 गेट मुझे दिख रहे हैं, तीसरा भी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री, फिर बाकी अंदर चल के देखते हैं। ऊपर बहुत ही सुंदर सा झूमर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आपको बता दूं कि यहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा स्पेस है और इन लोगों ने शिशु देखभाल, बेबी केयर एंड फीडिंग रूम भी दिया हुआ है। इसकी हिस्ट्री विस्ट्री मैंने सब जान ली है, वो ठीक है, वो मुझे गूगल पे भी मिल गई थी एक्चुअली, पता है जो उन्होंने बताया। तो ये देखिए ताज। देखा आपने कितना सुंदर है, अब आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी फोटो खींच रहे हैं, क्या कि जो सबसे ज़्यादा जब भी बचपन में भी आए थे वो फोटो होती है उसकी, जो ऊपर सबसे वो छोटी टाइप की है उसे पकड़ के फोटो खींचाना, उसके नीचे चांद आना, सब लोग अभी फोटोज ही क्लिक कर रहे हैं। अभी हम लोग को एक और टिकट लेना है, वो कहाँ मिलेगा नो आइडिया। शाहजहाँ ने पहले आगरा को नहीं चुना था, उनकी पसंद कुछ और ही थी, और वो जो पसंद थी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर था। उन्होंने पहले वहाँ पे ताजमहल बनाने का प्लान किया था और वो राप्ती नगर के किनारे उन्होंने कोई जगह भी देखी थी, लेकिन वहाँ पे उतनी मात्रा में सफ़ेद संगमरमर नहीं मिल पाए थे, इस वजह से उसे छोड़कर आगरा में इन्होंने ये ताजमहल बनवाया जो 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दूं कि ये जो ताजमहल के चारों तरफ जो चारों मीनारें बनी हुई है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी ये झुका के बनाई गई हैं। और उसका रीज़न है कि अगर कभी भूकंप आता है तो ये जो मीनारें हैं ना, ये बिल्डिंग के अंदर की साइड ना गिर के बाहर की साइड गिर जाएंगी, और जो मेन हमारी बिल्डिंग है उसको कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत मीन्स सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा दिमाग लगा के जो सिविल इंजीनियरिंग थी उस तरह से इसको बनाया गया है। इसके बनने के बाद शाहजहाँ एक काला ताजमहल भी बना रहे थे जिससे एज अ वो परछाई बनाते, लेकिन उनके बेटे ने फिर उनको बंदी बना लिया और ये कि पूरा पैसा इसी को बनवाने में चला जाएगा, तो वो काम पूरा नहीं हो पाया। बता दूं जो ताजमहल की नींव है ना वो लकड़ियों पे बनी है, आबूनास पेड़ होता है
उसकी लकड़ियों की नींव पे ये ताजमहल बनाया गया। और उसकी खास बात ये है कि अगर वो लकड़ियाँ 30% से ज़्यादा नमी में रहती हैं तो वो ख़राब नहीं होती और उनमें दीमक भी नहीं लगता है। और इसी वजह से ये यमुना नदी के किनारे है, उसमें हमेशा नमी बनी रहती है और ये बिल्डिंग इसीलिए इतनी मजबूती से खड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे जिन मजदूरों ने इसे बनाया था, तो इसको लेकर भी ये कहते हैं कि मिथ है। उनको ताजमहल बहुत पसंद आया था कि और जिससे वो बहुत खुश हुए थे, तो कोई खुश होकर ऐसा काम नहीं कर सकता है। ऐसा बोला जाता है कि उन मजदूरों को उन्होंने दूसरे काम में लगाया था और जो कि था काला ताजमहल बनाना, हालांकि वो बन नहीं पाया। तो मैंने ऊपर जाने का टिकट ले लिया, वो 200 का है और उसके पहले ये पहना जाता है। इसको पहन के ही जो संगमरमर वाला ऊपर ताजमहल है उसमें एंट्री मिलती है। और एक चीज़ और, यहाँ पे गूगल पे या कुछ भी काम नहीं करता, तो यू शुड हैव कैश लेके आना यहाँ पे। मैं बहुत थक चुकी हूँ एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट ताजमहल घूम भी लिया है। अब अंदर मकबरे के अंदर ना वो फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो वहाँ पे हम ऐसे ही घूम के चले आए। सो ये उसके चारों तरफ की बाउंड्री है और वो यमुना नदी बह रही है। सुंदर है जो इस पे कारीगरी की गई है, नक्काशी की गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ताजमहल पूरा देख लिया है, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद अपने होटल जाएंगे। तो अब आपको मिलते हैं ताजमहल के बाहर। बाय। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाने के लिए, और ये थोड़ा अंदर जाके है, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो साथ में खा भी सकते हो पीछे। अब जैसे ही उसके ताजमहल के बाहर निकलते हैं ना, वहाँ बहुत मार्केट है खाने पीने की चीज़ें और खरीदने के लिए भी, घर ले जाने के लिए भी, कुछ गिफ्ट करने के लिए आप कुछ ले सकते हो। मैं खाने के बाद देखूंगी कि मुझे किसी के लिए कुछ लेना है कि नहीं। मैं होटल पहुंच गई हूं, अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं लेके जाऊंगी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो आपको बताऊंगी। टिल देन बाय, आपसे रेस्ट करने के बाद मिलती हूँ।